ओके, चैप्टर नेम इज ऑक्यूपेशन इन इंडिया, है ना। सबसे पहले अपन कंप्लीट करेंगे ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट कंप्लीट करेंगे, इस पिक्चर को देखना है आप लोगों को और आंसर राइट करना, ठीक है। ओके, फर्स्ट फर्स्ट है, व्हाट आर द पीपल इन द पिक्चर डूइंग। इस पिक्चर में लोग क्या कर रहे हैं, है ना। आप इस पिक्चर में देखो लोग क्या कर रहे हैं। सो आंसर इज दे आर वर्किंग इन एन एग्रीकल्चर लैंड, राइट इट। दे आर वर्किंग इन एन एग्रीकल्चरल लैंड, ये फर्स्ट का आंसर है ना। ये पूरा आंसर जो है फर्स्ट का आंसर, दे आर वर्किंग इन एन एग्रीकल्चरल लैंड। सेकेंड, डू यू नो वॉट दे डू फॉर अ लिविंग। क्या आपको पता है कि ये लिव करने के लिए, मतलब सर्वाइव करने के लिए, अपनी डेली लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं ये। दे डू फार्मिंग, क्या करते हैं ये, फार्मिंग करते हैं। ये क्या है, फार्मर्स है। सो ओके, थर्ड, हाउ डज देयर वर्क बेनिफिट अस। इनका जो वर्क है वो हमें कैसे बेनिफिट करता है, हमारे लिए कैसे यूजफुल है, वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद है ना, हमें क्या बेनिफिट देता है वो। तो आंसर है देयर वर्क गिव्स अस फूड, गिव्स, GIVES, गिव्स अस फूड। ओके, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई आवर पेरेंट्स गो टू वर्क और ऑफिस एवरी डे। क्या आपको, आपने कभी ये देखा है कि आपके पेरेंट्स वर्क करने क्यों जाते हैं, है ना। वर्क और ऑफिस जो, मतलब क्या वर्क करने जाते हैं और क्यों जाते हैं, ये आपने कभी सोचा है। ऑल द पीपल वी सी अराउंड अस डू सम काइंड ऑफ वर्क। जितने भी आपके आसपास है, हमारे आसपास है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, है ना। शॉपकीपर्स ओपन देयर शॉप्स एवरी डे एंड सेल गुड्स। शॉपकीपर्स क्या कर रहे हैं, डेली अपनी शॉप्स को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है। फार्मर्स वर्क इन द फील्ड्स इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट क्रॉप। फार्मर्स क्या करते हैं, फील्ड में वर्क करते हैं। फील्ड में मतलब जो अपने जो लैंड है इनका खुद का, उस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सके, क्रॉप्स उगा सके, है ना, और उसको सेल कर सके। द वर्क दैट पीपल डू फ्रॉम विच दे अर्न देयर लिविंग इज नोन एज एन ऑक्यूपेशन। अब ये रे ऑक्यूपेशन का मीनिंग है, अंडरलाइन दिस वर्ड ऑक्यूपेशन। ये मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूं, आपको इस अंडरलाइन वर्ड, आपको इस वर्ड को अंडरलाइन करना है, ऑक्यूपेशन। ठीक है, अंडरलाइन। ओके, मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूं। ओके, सबने कर लिया अंडरलाइन।
ओके सो ऑक्यूपेशन का मतलब क्या हो सी ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है कि जो पीपल अपना वर्क करते हैं काय के लिए क्यों करते हैं वो ताकि दे अर्न देयर लिविंग है ना दे अर्न देयर लिविंग मतलब आपको डेली लीव करना है ना आपको हर चीज की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर एग्जांपल आपको थ्री टाइम्स का क्या चाहिए आपको फूड चाहिए है ना अभी उर्वी कुछ ड्रिंक कर रही थी शायद मिल्क ड्रिंक कर रही थी है ना तो उसके लिए भी क्या चाहिए आपको मनी चाहिए है ना तो दे अर्न देयर लिविंग अपनों को थ्री टाइम्स का फूड चाहिए है ना अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे कि अपनों को क्लोथ्स चाहिए है ना आपकी बुक्स भी कहाँ से आती है मनी से आती है ना और पेंसिल बैग ये सब भी कहाँ से आते हैं मनी से आते हैं तो इनको अर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है वर्क करना पड़ता है तो वही वर्क को क्या कहते हैं हम ऑक्यूपेशन ठीक है नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस बाय द पीपल ऑफ इंडिया अब हम क्या पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन जो कहां पर होते हैं इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं मतलब कि इंडिया में जो लोग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ऑक्यूपेशन करते हैं लोग उनके बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट एग्रीकल्चर क्या होता है ये हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन विच एस्पेशली इन विलेज एंड स्मॉल टाउन्स एस्पेशली इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है इंडिया का और स्पेशली कहाँ पर है वो सबसे ज़्यादा विलेजेस और स्मॉल टाउन्स ठीक है जो विलेज होते हैं ना वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन का है क्या है वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं एग्रीकल्चर है ना एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है कि क्रॉप्स को ग्रो करना है ना क्रॉप्स उगाना है ना और उसको फिर सेल करना फार्मर्स ग्रो फूड क्रॉप्स एंड अदर क्रॉप्स फार्मर्स क्या करते हैं जो फूड क्रॉप्स होते हैं उसको भी ग्रो करते हैं और दूसरे टाइप्स के क्रॉप्स को भी क्या करते हैं ग्रो करते हैं फार्मर्स ऑल्सो डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक पोल्ट्री एंड कैटल फॉर देयर मीट मिल्क एग एंड अदर प्रोडक्ट्स ठीक है फार्मर्स क्या करते हैं एनिमल्स को भी पालते हैं ठीक है डोमेस्टिकेट मतलब पालना ठीक है डोमेस्टिक एनिमल सुना है ना आपने एग्रीकल्चर बेटर बेटा पंचुअल एग्रीकल्चर मतलब कि जो फार्मर्स रहते हैं वो क्या करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करते हैं है ना क्रॉप्स उगाते हैं और फिर जब वो अच्छी क्रॉप्स आ जाती है तो उसको क्या करते हैं सेल करते हैं तो इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर ठीक है डोमेस्टिकेट मतलब पालना है ना डोमेस्टिक एनिमल्स आपने सुना है तो वो क्या करते हैं एनिमल्स को भी पालते हैं एनिमल्स को भी पालते हैं जिससे उनको क्या मिले मिल्क एग और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स है ना जो डेयरी प्रोडक्ट्स रहते हैं ना मिल्क मिलता है एग अंडे मिलते हैं और अदर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं घी होता है मक्खन होता है ना ये सब भी किससे मिलता है एनिमल्स से मिलते हैं सम फार्मर्स ग्रो कॉटन टी कॉफी एंड जूट अब कुछ फार्मर्स क्या होते हैं जो क्या ग्रो करते हैं कॉफी जूट है ना टी या फिर कॉटन है ना ये सब भी क्या करते हैं ग्रो करते हैं टी आपने सुना है जो टी आप ड्रिंक करते हो मॉर्निंग में डोमेस्टिक मतलब पालतू सुना है ना आपने पालतू जानवर डोमेस्टिक एनिमल्स ओके तो कुछ फार्मर्स क्या करते हैं कॉटन को भी करते हैं कॉटन जो रुई होती है उसको उसकी भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं
जो चाय रहती है उसकी भी क्रॉप होती है, कॉफी की भी होती है और जूट की भी, ठीक है। दीज आर कॉल्ड रॉ मटेरियल्स, इन्हें क्या कहा जाता है, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, है ना, कच्चा माल इन द सेंस की मतलब वो प्रॉपर कुछ एक प्रोडक्ट नहीं है, है ना। जैसे टी, अब जो टी की जो पत्तियां होती है वो क्या है, जैसे आपने सुना है ना चाय पत्ती, वो क्या है, प्रॉपर एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो उससे क्या बनाते हैं, हम चाय बनाते हैं, ठीक है, टी बनाते हैं। तो टी क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट है जो हम बनाते हैं ना, जो आप घर में ड्रिंक करते हो उसको क्या कहते हैं, फाइनल प्रोडक्ट, है ना। और उसमें हम क्या यूज करते हैं, टी, है ना, टी को यूज करते हैं, मतलब जो चाय पत्ती को यूज करते हैं। तो उससे क्या बनती है, अपने घर पे चाय बनती है, है ना। तो जो चाय पत्ती क्या है, रॉ मटेरियल, ओके। आफ्टर द फार्मर हैज ग्रोन द क्रॉप, दीज रॉ मटेरियल्स गो टू वेरियस इंडस्ट्रीज वेयर दे आर मेड इन टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। सो अब ये जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं फार्मर्स, है ना, फार्मर ने क्या करा, इन क्रॉप्स को ग्रो करा, ठीक है। अब उससे क्या होगा, जो क्रॉप्स आए, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल टी आई, है ना, या फिर कॉटन आई, ठीक है। आप अपन एग्जांपल लेते हैं टी का, जो लैंड पर क्या हुई, टी ग्रो हो गई। अब फार्मर्स ने क्या करा, उनको इंडस्ट्री में भेज दिया, इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर गुड्स बनते हैं, है ना, जहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। तो उनको क्या करा, इन्होंने सेल कर दिया। अब इंडस्ट्री क्या करेगी, उसकी चाय पत्ती बनाएगी, है ना, जो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है ना पैकेट में, है ना, वो उसको प्रिपेयर करेगी, वो उसको मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है। तो वेयर दे आर मेड इनटू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, है ना। रॉ मटेरियल मतलब जिसको अभी बनना बाकी है, है ना। रॉ मटेरियल मतलब अपनों को एक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टी का, है ना, टी का एग्जांपल दिया था। तो टी क्या है, एक रॉ मटेरियल है। अब टी से फिर क्या बनेगा, वो जो अपने घर पर जो टी आती ना, चाय पत्ती जो आती है वो किस में आती है, पैकेट में आती है, है ना। तो वो कैसी रहती है, वो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, वो कहाँ पर बनते हैं, इंडस्ट्री, और उसे क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड, जो क्या होकर आई है, मैन्युफैक्चर्ड मतलब जो मशीन से बनकर आई है, ठीक है। बिसाइड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, पीपल इन इंडिया ऑल्सो टेक अप अदर ऑक्यूपेशन दैट डू नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अलावा भी अपने इंडिया के लोग क्या करते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन करते हैं जिसमें ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं रहती, ठीक है, ज्यादा हार्डवर्क करने की नीड नहीं रहती, हार्डवर्क इन द सेंस कि अपनी बॉडी को अपन ज्यादा मूव नहीं करते। मैन्युफैक्चर्ड मतलब बना हुआ, पंचुल मैन्युफैक्चर्ड मतलब बना हुआ, मशीन से जो बनते हैं, है ना, जैसे आपकी जो चॉकलेट आती है ना, वो क्या है, एक मैन्युफैक्चर्ड गुड है जो कहां पर बन के आई है, इंडस्ट्री से बनकर आई है ना, ओके। सो इसमें ज्यादा हार्डवर्क करने की नीड नहीं रहती है, वैसे काम भी करते हैं लोग, कौन से, फॉर एग्जांपल पीपल वर्क इन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन ऑफिसेस, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल्स। अब बैंक में आपने देखा है कि अगर आप कभी बैंक गए हो तो वहाँ के पर्सन क्या रहते हैं, सिर्फ चेयर पर बैठे रहते हैं, है ना, वो सिर्फ कंप्यूटर में अपना वर्क करते हैं, तो वो अपनी बॉडी को ज्यादा मूव नहीं करते, ओके। मोस्ट ऑफ दिस सर्विस बेस्ड ऑक्यूपेशन आर कॉमन इन दीज प्लेसेस प्रोवाइड अस विथ सर्विसेस इन आवर एवरीडे लाइफ। नाउ अब एक वर्ड आया है सर्विसेस, इस वर्ड को अंडरलाइन करो आप, बेटा ये सेकेंड पैराग्राफ, है ना, सॉरी थर्ड पैराग्राफ,
एग्रीकल्चर के नीचे वाला पैराग्राफ उसकी फिफ्थ लाइन सर्विसेज, इसको आप अंडरलाइन करो, मैं करता हूं अंडरलाइन। ठीक है, सर्विस। नाउ सर्विसेज का मतलब क्या होता है? ठीक है, सर्विस क्या होती है? जैसे आपने सुना है, आपने देखा कि आपके घर में कुछ सामान आया, ठीक है, सामान आया इन द सेंस कि आप शॉप से कुछ परचेज करके लाए, ठीक है, शॉप से कुछ परचेज करके लाए। फॉर एग्जांपल आपने परचेज करी एक चॉकलेट, है ना, चॉकलेट परचेज करी आपने, तो चॉकलेट क्या है? एक गुड है, है ना, एक गुड है, गुड मतलब एक प्रोडक्ट है वो, है ना। तो प्रोडक्ट क्या है अपनों को दिख सकता है ना, प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी जगह सर्विस प्रोवाइड करना, है ना, मतलब आप शॉपकीपर ने आपको एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करा, ठीक है, बट वो क्या करते हैं, सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कुछ लोग। कैसे? आपके घर पर वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो वो सही करना है, ठीक है, तो उसने भी आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा है ना, वॉशिंग मशीन सही करके दिया आपको, ठीक है, तो उसने अपनी क्या प्रोवाइड करी? सर्विस प्रोवाइड करी, है ना। सर्विस वो चीज होती है जो अपनों को दिखती नहीं, ठीक है। ओके, सो मोस्ट ऑफ दीज सर्विस बेस्ड ऑक्यूपेशन आर कॉमन इन सिटीज। अब ऐसी बहुत सारी सर्विसेज क्या होती है, कॉमन रहती है सिटीज में, है ना। जैसे बैंक में, बैंक वाले भी अपनों को क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस वाले, टेलीफोन ऑफिस वाले, ये सब अपनों को क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज, ठीक है। हाउ फ्लोर रीचेज अस, नाउ सी, अब अपने घर पर फ्लोर कैसे आता है? फ्लोर जो रहता है ना, फ्लोर मतलब आटा, ठीक है, फ्लोर अपने घर पर कैसे आता है? लेट सी, वी बाय फूड फ्रॉम शॉप एंड वी बाय फूड फ्रॉम शॉप्स एंड द मार्केट, बट हाउ डज द फूड गेट देयर। अब आपको ये पता है कि हम क्या करते हैं, फूड को शॉप से परचेज करते हैं या फिर मार्केट से, है ना, बट वहां पर वो फूड आता कैसे? क्लियर, वो वहां पर आता कैसे? अब हम शॉप्स पे जाते हैं, चॉकलेट लेके आ जाते हैं, ठीक है, बट आपने कभी सोचा है कि उस शॉप के पास चॉकलेट कहाँ से आई है? लेट अस सी हाउ फ्लोर रीचेस अस इन द फॉर्म ऑफ रोटी, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है फ्लोर का, फ्लोर मतलब आटा, अपने घर पर आटा कैसे आता है, किसके फॉर्म में? रोटी के फॉर्म में, है ना। आप जो रोटी खाते हो, चपाती खाते हो, चपाती जो ईट करते हो ना, उसमें क्या रहता है? फ्लोर ही रहता है, तो वो अपने घर पर कैसे आता है? सी, फार्मर ग्रो क्रॉप्स फॉर अस, फार्मर क्या करता है? क्रॉप्स को ग्रो करता है, ठीक है, यस, आप इस फोटो में देखो फार्मर क्या कर रहा है, क्रॉप्स ग्रो कर रहा है ना। दे सो द सीड्स फर्स्ट एंड देन कल्टीवेट द क्रॉप, सबसे पहले क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं? सीड डालते हैं लैंड पर, है ना, सीड्स, सीड जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो बीज होते हैं वो लैंड पर डालते हैं, उनको वाटर प्रोवाइड करते हैं और फिर लैंड को क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। व्हेन द प्लांट्स ग्रो, ठीक है, व्हेन द प्लांट्स ग्रो, अब ये जो क्या हो गए, प्लांट्स ग्रो हो गए हैं, मतलब क्या, अभी हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं आटे का, आटा किससे बनता है? गेहूं से, ठीक है, तो ये फार्मर किसकी फार्मिंग कर रहा है? गेहूं की। फार्मर्स ने क्या करा, सबसे पहले गेहूं के जो बीज है उसको उसको क्या करा, मतलब लैंड पर उसके जो बीज है उसको डाला, ठीक है,
फिर अब ये जो प्लांट ग्रो हो गई, मतलब वीट क्या हो गई है, गेहूं क्या हो गई, अच्छी तरह उग गई है, ठीक है, तो उससे क्या करेगा, वो सारे क्रॉप्स को क्या करेगा, कट करेगा, है ना, और उसमें से क्या निकालेगा, गेहूं निकालेगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसे क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। एंड व्हेन दस व्हीट विच इज द रॉ मटेरियल इज रेडी, इट इज पैक्ड एंड टेकन टू अ फ्लोर मिल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या मतलब हुआ इसका, कि जब व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं, है ना, गेहूं क्या हो गई है, रेडी हो गई है ना, फार्मर्स के पास क्या हो गई है, रेडी हो गई है, तो ये क्या करेगा, इसको पैक करके कहाँ, किसको सेल करेगा, फ्लोर मिल वाले के पास। ठीक है, फ्लोर मिल क्या होती है, जो आटे की जो चक्की होती है ना, आपने सुना है, फ्लोर मिल, जहां पर गेहूं क्या होती है, पिसता है, गेहूं क्या होता है, पिसता है वहां पर। ठीक है, हियर द व्हीट इज मेड इन टू फ्लोर विद द हेल्प ऑफ मशीन। ठीक, अब यहां पर देखो, थर्ड फोटो में, थर्ड फोटो में क्या कर रहा है वो, यहां पर उसने क्या करा, फ्लोर को मिक्स करा, फ्लोर को क्या करा, मशीन से क्या करा उसने, आटे में कन्वर्ट करा, फ्लोर में कन्वर्ट करा, और फिर वो उसको क्या कर रहा है, पैक कर रहा है। ठीक है, हियर द व्हीट इज मेड इन टू फ्लोर विद द हेल्प ऑफ मशीन। मशीन से उसने क्या करा, जो आटे की जो चक्की होती है उससे क्या करा, उसने गेहूं को पीसा। ठीक है, उससे क्या बन गया, आटा बन गया। देन दिस रेडी फ्लोर इज पैक्ड, अब ये जो आटा बन गया उसको क्या करा हमने, पैक करा, सेंड टू शॉप्स एंड फाइनली वी बाय द फ्लोर फ्रॉम देयर। अब ये क्या करेगा, जो आटा पीसने के बाद क्या करेगा, उसको पैक करेगा और शॉप्स वाले, जो शॉप ऑनर है उसको दे के आ जाएगा, है ना, शॉप्स पर दे के आ जाएगा, और हम क्या करते हैं, वहां से वो फ्लोर क्या करते हैं, परचेस कर लेते हैं। ठीक, इन इंडिया फ्लोर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम राइस, ग्राम, चिक पीस, बाजरा, मेस एंड कॉर्न। ठीक है, अब अपने इंडिया में सिर्फ गेहूं का ही आटा नहीं होता है, हर तरह का आटा होता है, चावल का आटा, ठीक है, बाजरे का आटा, मक्की का आटा, ठीक, इन सब का क्या होता है, मतलब सिर्फ उसका गेहूं का आटा नहीं होता है, हर तरीके का आटा होता है। ओके, वी आर एंडिंग अवर क्लास हियर, कल हम पढ़ेंगे हाउ क्लोथ्स आर मेड। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे हाउ क्लोथ्स आर मेड, क्लोथ्स कैसे बनते हैं ये हम पढ़ेंगे। ओके, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, पंचुल फ्लोर मिल मतलब एक प्लेस जहां पर गेहूं पिसता है ना, कभी आप गए हो आटा चक्की पर, आपने देखा है वहां पर उसके पास एक मशीन रहती है, जो आप आटा चक्की पे नहीं गए हो कभी, नहीं सर, मैं तो कौन सी क्लास में है, कभी जाना वो दीजिए सर, ना बेटा, आप कभी जाना वहां पर देखना, अगर घर के आसपास कभी हो आटा चक्की, ओके, तो वहां पर आपको आटा चक्की मिलेगी, और यूनिकॉर्न है। नाउ एनीबडी हैज कंफ्यूजन, अगर नहीं है देन सेंड मी थम्स अप। ओके, सो व्हाट इज योर होमवर्क, बेटा आप सबने नोट्स कलेक्ट कर लिए हैं, किस किस ने कलेक्ट कर लिए, सेंड मी थम्स अप। नोट्स कलेक्ट कर लिए हैं,
देन इट इज गुड। और अगर नहीं करे हैं तो आप करके आ जाओ नोट्स कलेक्ट, है ना। स्कूल में, छोटे स्कूल में आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना। आपको क्या करना है, चैप्टर वन, चैप्टर वन है सोशल साइंस और साइंस। ओके, अभी सोशल साइंस का ही करो, ठीक है। साइंस का जब आएगा तब देखेंगे। सोशल साइंस का चैप्टर वन आपको कंप्लीट करना है अपनी फेयर कॉपी। ओके, कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद टू पेजेस लीव करने। अंडरस्टूड व्हाट इज द होमवर्क? चैप्टर वन कंप्लीट करके रखो। अंडरस्टूड? सेंड मी थम्स अप अगर आपको होमवर्क क्लियर है। ओके बेटा, वी आर एंडिंग अवर क्लास।